मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास में रेलवे पटरी के किनारे घायल अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला है। अंदेशा जताया जा रहा है कि मुंब्रा और दीवा के बीच में चलती हुई लोकल ट्रेन से ये यात्री गिरा है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के नज़दीक में एक खाड़ी है और इस खाड़ी के ऊपर जो ब्रिज है उसी के नज़दीक स्लो अप और डाउन लाइन के बीच में घायल अवस्था में ये व्यक्ति मिला है। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास में रेलवे के किनारे घायल पड़े होने की इस व्यक्ति की जानकारी मुंब्रा आरपीएफ को मिली, जिसके बाद मौके पर जीआरपी और आरपीएफ हमाल के साथ वहां पर पहुंचे। घायल अवस्था में ये व्यक्ति बेहोशी के हालत में वहां पड़ा हुआ था और इसके सर में काफ़ी चोट लगी हुई, जिसके बाद इसे उठाकर मुंब्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर लाया गया और इसे कलवा हॉस्पिटल तत्काल भेजा गया। मगर इस व्यक्ति की हालत काफ़ी गंभीर थी और गंभीर होने की वजह से कलवा के डॉक्टरों ने इसे साइन हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। हालांकि अभी तक इस घायल व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन ये हादसा जो है दीवा और मुंब्रा के बीच में हुआ है। बताया जा रहा है कि मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशन के बीच में खाड़ी के पास जो ब्रिज बनी है उसी के नज़दीक अप डाउन और स्लो लाइन के पास में ये व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि चलती हुई लोकल ट्रेन से ये व्यक्ति गिरा है।